पीथमपुर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन चोरी की घटनाओं के चलते एक ओर जहां पुलिस का खौफ बदमाशों में कम नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। अब तक चोर घरों और वाहनों को ही निशाना बना रहे थे, वहीं अब चोर मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। नए मामले में पीथमपुर के इंदोरामा राम मंदिर में बीती रात चोरों ने दान पेटी का ताला तोड़कर लाखों रुपए का दान चुरा कर ले गए। आपको बता दें, पूरा मामला पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 के इंदोरामा कंपनी के पास बने राम मंदिर का है, जहां देर रात चोरों ने मंदिर में घुसकर दान पेटी और अन्य सामान चुरा कर ले गए, जबकि दो निजी सुरक्षाकर्मी मंदिर में रात की ड्यूटी पर मौजूद थे। सुबह जब मंदिर के पुजारी नरेंद्र दुबे पहुंचे तो उसने दान पेटी टूटी हुई देखकर तुरंत थाने में जाकर सूचना दी, जिस पर पुलिस ने मौका मुआयना कर अपराध पंजीबद्ध कर जांच में जुट गई। खास बात यह है कि एक तरफ तो पूरे देश में भव्य राम मंदिर के लिए कई लोग अपना चंदा देकर मंदिर बनने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पीथमपुर क्षेत्र में चोर राम जी के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। इंदोरामा मंदिर में हम सुबह गए 6 बजे तो मंदिर खोले, 4 मंदिर खोले, जब 5वें खोलने जा रहे थे देखे कि दान पेटी खुली थी जी, और मैंने तुरंत जो है अपने अधिकारी को फ़ोन किया, छोटे पंडित को फ़ोन किया, इसके बाद अपने अधिकारी को फ़ोन किया और गार्ड को बुलाया, दिखाया, बाकी सभी लोगों के इसमें तुरंत थाने पे सूचना दिया। रात में सुरक्षा गार्ड नहीं थे क्या वहाँ? नहीं, रात में गार्ड सुरक्षा थे, 2 गार्ड। सीसीटीवी है वहाँ? चालू है? नहीं, चालू नहीं, परसों फाल्ट हो गया था, उससे अपनी कई लाइट भी हो गई है, मशीनें फूक गई हैं। कितने महीनों से पेटी नहीं खुली थी? पेटी सर 1 साल हो गई, इसी फरवरी में ही खुली थी।